युधिष्ठर के सेनापति द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न होते हैं और इधर सूरसेन के समक्ष कौरव साइड में सेनापति में द्रोणाचार्य होते हैं। आज दोनों पार्टी में घमासान युद्ध होता है और देखिए भैया युधिष्ठर सूरसेन से क्या कहते हैं। ये महाभारत का दौर है और इसका मजा कुछ और आज देखिए भैया युधिष्ठर सूरसेन को ललकारते हुए क्या कहते हैं। भैया युधिष्ठर ललकारते हुए सूरसेन से कहते हैं कि हम डरते नहीं डराना जानते हैं, कि हम डरते नहीं डराना जानते हैं, बड़े बड़े वीरों को झुकाना जानते हैं, कि वीर है तो कर ले समर, कि वीर वीर है तो कर ले समर, क्योंकि हम तेरी औकात को जानते हैं। और आज भैया युधिष्ठर ललकारते हैं सूरसेन से कहते हैं लड़ना तुझको मैं सिखाऊंगा, जंग क्या होती है ये बताऊंगा। राज भैया युधिष्ठर कहते हैं वो आज लड़ना तुझको मैं सिखाऊंगा, जंग क्या होती है ये बताऊंगा। जंग क्या होती है ये बताओ, ये आदरणीय हमारे दोनों भैया जी, इनका नाम तो मुझे नहीं पता पर इनकी ओर से मंडल को 501 रुपए की राशि प्रदान हुई आशीर्वाद की कामना। और आज भैया युधिष्ठर क्या कहते हैं, वो दूर हटाओ बातें अपनी, हाँ दूर हटाओ बातें अपनी, बहुत चलाई तुमने अपने, दूर हटाओ बातें अपनी, बहुत चलाई।
अब करेंगे लड़ने वाली राज भैया युधिष्ठिर कहते हैं क्यों यहाँ तू मरने आ गया, 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 यहाँ तो मरने आ गया, यहाँ तो मरने आ गया। और देखिए आगे भैया युधिष्ठिर कहते हैं वो जिसने ये युद्ध जीता कि जिसने ये युद्ध जीता वो महान बनेगा कि वो महान बनेगा और वो वीर महाभारत किसान बनेगा, 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 जिसने ये युद्ध जीता हो युद्ध जीता वो महान बनेगा कि वो महान बनेगा वो वीर महाभारत किसान बनेगा वो वीर वीर महाभारत किसान बने।
हो आया है समय अब घमासान का, और कहने लगते कि तेरी मेरी मिलने की टकरार का, और ओ दुश्मन ने तुम्हें सोच लिया बचा पाएगा। और हाँ, आज भगवान भी अन्याय नहीं कर सकते।